भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 8 चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के पास से 3 बाइक, 1 लैपटॉप, एलईडी टीवी, चांदी के कुछ आभूषण के साथ साथ कीमती कपड़े भी बरामद किए हैं। चोर का यह गिरोह बिहार सहित पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल में काफी सक्रिय था। इस मामले में विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि भागलपुर में हाल के दिनों में चोरी की घटना में इस गिरोह के सदस्यों की सक्रियता रही है। अंतरराज्यीय चोरों का एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, उससे संबंधित है। इसमें आए दिन जो है पिछले कुछ दिनों में गृहवेदन का कुछ घटना हमारे शहर में घटी थी। मामले को संज्ञान लेते हुए सीनियर एसपी सर के द्वारा सिटी एसपी सर के निगरानी में और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई। टीम ने जो है गुप्त और तकनीकी रूप से काम किया और सूचना के आधार पर कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है बरवास थाने क्षेत्र से, जिनके पास से जो है बाइक 3 पकड़ा है, 1 जो है लैपटॉप है, 1 एलईडी है, चांदी के कुछ आभूषण हैं, मोबाइल हैं, जो 7 मोबाइल हैं इनके पास से, पीतल की एक मूर्ति मिली है और भारी मात्रा में कपड़े मिले हैं इन लोगों के पास से। भागलपुर में ई रिक्शा चालक हवाई अड्डा मैदान में एकजुट होकर जिला प्रशासन के द्वारा की गई कोडिंग व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। साथ ही पुराने ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष विशाल कुमार पर मनमानी का उन्होंने आरोप भी लगाया है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि विशाल कुमार पैसा लेकर कोडिंग करवाते हैं। ई रिक्शा चालकों का साथी ये भी कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से की गई कोडिंग व्यवस्था से कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर पुरानी व्यवस्था को लागू नहीं किया गया तो हम लोग नए सिरे से ई रिक्शा चालक यूनियन का गठन कर जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगों को से रखेंगे। वहीं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर के प्रदेश अध्यक्ष पवन फौजी ने कहा कि विशाल कुमार अपने मन से चालक संघ का अध्यक्ष बता रहा है, लेकिन विशाल का रजिस्ट्रेशन निबंधित है जो कि प्रशासन को मालूम नहीं है। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो कि विशाल शाह का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए विशाल शाह को ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष नहीं मानता है। एक विशाल शाह के द्वारा एक एसोसिएशन बनाया गया जो कि अनिबंधित है, क्योंकि वो प्रशासन को मालूम नहीं है। ट्रेड यूनियन बनाने से बायलॉज के तहत उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन में उसको निबंधित होना पड़ेगा, समझौता लेना पड़ेगा, सीआईटीयू सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन से उसको जो ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी ट्रेड यूनियन बनता है, तभी संघ बनेगा। ऐसे जो है यहाँ कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गया है यूनियन। तो हम जो विशाल शाह से भी बात किए, हम बोले आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहे, और आपका रिपोर्ट आ रहा है कि आप 2,500 रुपया लेकर के 2,500 रुपया लेकर कोडिंग कर रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि ड्राइवर भागलपुर एसोसिएशन के दूसरा जो आदमी है आपका विरोधी, वो हमारे पास पक्ष रख रहे हैं, वो हमको निवेदन जो है आवेदन देंगे, वो आवेदन लेकर के हम पटना मुख्य अपना कार्यालय में जमा करेंगे, तो आपके ऊपर हो सकता है कानूनी कार्रवाई भी होगा। तो अभी जो है दूसरा यूनियन वाला जो अभी है, जो मनोज सौसा विपिन जी सब है, ये हमको आमंत्रित किए, हम इनके लिए आए, तो इनको अभी बताएंगे हम कि अभी आप लोग को यूनियन अपना रखना है, बनाना है आप लोग को, तो आपको मेरे साथ समझौता लेना पड़ेगा, मेरे साथ ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन मेरे साथ करना पड़ेगा ऑल इंडिया के साथ, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आप एक सम्मेलन कराइए, सम्मेलन के द्वारा उसमें अध्यक्ष सचिव जिसको बनना बनिए आप लोग, और आपको प्रशासन से हम लोग लड़ करके जो है आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा यूनियन जो खड़ा होगा वो अनिबंधित हो जाएगा, आपका निबंधित हो जाएगा, सरकार आपको मान्यता देगी, प्रशासन आपको मान्यता देगा, सब जगह लेटर आपका दिया जाएगा। यही है कि विशाल शाह जो है हमारे अध्यक्ष, वो कोडिंग कराए हैं, इस कोडिंग का हम लोग विरोध करते हैं। इस कोडिंग से हम लोग को चलने में नहीं बन रहा है, कमा नहीं पा रहे आज इस हफ्ते से, बस यही परेशानी हम लोग। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मेरा कोडिंग खत्म हो जाए, जो पहले विधि विधान से चलता था गाड़ी उसी उपरांत चले, और प्लस पुलिस प्रशासन का भी सहयोग चाहते हैं। हाँ, नया एसोसिएशन क्यों बनाना पड़ा? बस उसी कारण से विशाल बाबू अवैध रूप से अपने मनमानी ड्राइवर से बिना पूछे सलाह लिए उनके मन में जो आता है वो करके गुजर जाते हैं, इसलिए नया। हाँ, उसका भुगतान हम लोग को भुगतना पड़ा। आज ड्राइवर के हड़ताल इसलिए हो रहा कि हमारा जहाँ 3 नंबर गुमटी भी के लिए, ये माने 3 नंबर के गाड़ी जहाँ खलीफा बाग इधर के लिए या घंटा घर के लिए या तिलका माजी के लिए गाड़ी हमरो पकड़ कर पकड़ा रो तो काहे पकड़ते कोई भी ड्राइवर के यू आज चले मीटिंग है और हाई कोडिंग से कहीं भी, आज जैसे संडे है तो गाड़ी संडे के कहीं भी बड़ो बड़ो गाड़ी के नो एंट्री नहीं है, चाहे टोटो जही एतवार का पकड़ावे तो।
भागलपुर के सनहोला थाना क्षेत्र के सोनूडी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक मासूम बच्ची को रौंद दिया। मासूम ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी, हादसे में घटनास्थल पर ही मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पिता समेत अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम की पहचान सोनूडी निवासी कबीर मंडल की पुत्री अंशु कुमारी के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 7 वर्षीय अंशु घर से 500 मीटर की दूरी पर ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। मृतक के पिता ने बताया कि अंशु पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहती थी, पढ़ने लिखने में वो काफी तेज थी। गांव के ही एक ट्यूशन में वो पढ़ने के लिए जा रही थी, इसी दौरान गांव के ही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। वहीं मामले को लेकर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं ट्रैक्टर को जब्त कर थाना लाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ थाना लाया कि अभी वहीं उधर थाना लाया। कहाँ का ट्रैक्टर था? सोनूडी का ट्रैक्टर था। आपका घर कहाँ है? सोनूडी। आपका घर भी सोनूडी ही है? क्या है ट्रैक्टर मालिक वगैरह का नाम जानते हैं? कपिल यादव। आपका क्या नाम है? कबीर मंडल। कबीर मंडल। और ट्रैक्टर की चपेट में कैसे आया? गाना बजा रहा था ट्रैक्टर वाला। कुछ लोड था ट्रैक्टर में? होता है क्या, ये जा रहा कोई बच्चा पढ़ने के लिए 4 बजे जा रहे थे। ये ड्राइवर बेछूट तरीके से ट्रैक्टर चलाता था, इसको कुछ देर पहले पता चला कि रोका गया, इतना स्पीड मत चलाओ, शाम का टाइम है, बच्चा दे दिया है सर। तो वो मतलब बोला, बात को टरका दिया, बोलता जो 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 जो, ऐसे बात को टरका दिया, फुल वॉइस में एक हाथ से स्टीयरिंग टर्निंग पे ही करता चलाता ही, और दूसरी बात फुल वॉइस में लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी फुल स्पीड में चलाता था, बच्चा बच्ची पढ़ने के लिए जा रही थी, गाड़ी पे कुछ लोड वगैरह भी गनोरा लोड करके जा रहा था, और ये रोकने पे भी वो कई बार मना, गांव में मना किया गया, लेकिन ये मानता नहीं था, वे छूट गाड़ी चलाता था और सामने पढ़ने जा रही थी, चौंप दिया बच्चा, चौंप दिया, हाँ घटना हो गया, और कई बार ये इसको सूचना दिया जा रहा था। बच्चा का उम्र कितना है? 7 साल। क्या नाम है? अंशु कुमार। तरीके से जो गाड़ी चलाता है इस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए, और दूसरी उचित मुआवजा मिले इनके मतलब पिता को, ताकि मतलब उसको भी कार्रवाई किया जाए, ताकि आगे से कोई ड्राइवर गलती न करे। सुनने में ये भी आया कि ये एकलौती बेटी थी। जी, हम लोग 5 मामा में मतलब एक ही भगनी है, 5 नाना की एक ही नतनी है, इसके नाम से हम लोग मामा इनके LIC करवा दिए थे 1,00,000 रुपया का, एक ही भगनी है, दो बहन है, दो तो होता होगा आप लोगों के, क्या बोला जाए, मतलब कि बयां कर सकते हैं क्या, वापस तो नहीं आ सकता। की नाम है अपना? सियाराम मंडल। बच्ची जिले अपना कॉलेज के जिले? हमारा भतीजी है। क्या बनना चाहती थी लड़की? वो तो कुछ बड़ा आदमी बनना चाहती थी, वो बहुत तेज थी। अच्छा, ड्राइवर कहाँ है अभी? ड्राइवर अभी हिरासत में है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
सोनपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विवेक भूषण सूद ने रविवार को नवगछिया स्टेशन का निरीक्षण किया और उसकी समीक्षा की। इस दौरान नवगछिया स्टेशन पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक ने कर्मचारियों को आवश्यक सलाह व दिशा निर्देश दिए। नवगछिया में उन्होंने सभी विभागों के कर्मचारियों के प्रदर्शन, उनकी समीक्षा तथा नवगछिया में सभी विभागों के कार्य प्रदर्शन का ऑडिट भी किया। इस मौके पर सोनपुर मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक तथा अन्य शाखा के अधिकारी भी मौजूद थे। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। स्टेशन परिसर में साफ सफाई, प्रतीक्षालयों, टिकट काउंटरों और अन्य यात्री सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। मंडल रेल प्रबंधक ने कर्मचारियों को सुरक्षा और यात्री संतुष्टि को सर्वोपरि रखने की सलाह दी है। उन्होंने स्टेशन पर आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के महत्व पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान सूद ने यात्रियों से भी मुलाकात की और उनके सुझाव और प्रतिक्रियाएं सुनी। उन्होंने यात्रियों को आश्वासन दिया कि रेलवे उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज नवगछिया स्टेशन पे हमारे जो इस खंड में जितने हमारे इंस्पेक्टर हैं, अलग अलग विभाग से सब लोग आए थे और ऑफिसर्स भी थे, डिवीजन के ऑफिसर्स भी थे। तो हम लोगों ने खंड में क्या समस्याएं हैं अनुरक्षण को लेके, अभी गर्मियों का सीज़न है तो गर्मी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बरसात का मौसम आने वाला है उसके लिए क्या तैयारी है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। और जो जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है उसके बारे में चर्चा की। इसके अलावा यहाँ पे एक हेल्थ कैंप लगाया था जिसके अंदर डॉक्टर साहब थे और उन्होंने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया और ख़ास तौर पे जो समस्याएं हैं हाइपरटेंशन की और जो शुगर की बीमारी यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई किया किसको किसको है और उनको दवाई क्या लेना है और क्या ध्यान रखना है उसके बारे में गाइड किया। इसके अलावा जो है एक परिवार का जो उसका उस परिवार जो कर्मचारियों का रहता है उसको लेके हमारे जो वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं वो आए थे और कैंप उसका लगा था और लगभग 92 परिवार आए जिनमें से लगभग 60 के आजूबाजू यहीं पे हमने सॉल्व कर दिए और बैलेंस जो है हम लोग मंडल ले जाके और अगले 2-3 दिन के अंदर उनको सॉल्व करेंगे। किस तरह का समस्या आया सब परिवार में? समस्या बहुत सारे कार्यालय में काम रहते हैं जिनके लिए कर्मचारियों को कार्यालय जाना पड़ता है। हम लोग कार्यालय को यहाँ लेके आए थे कि जो भी समस्या है यहीं समझ के और जो ऑनलाइन ठीक होगा उसको ऑनलाइन ठीक कर दे, जिसमें कुछ आदेश पारित होना है वो हम कार्यालय से कर देंगे। और पास के बारे में है, किसी को फैमिली डिक्लेरेशन के बारे में है, कभी कोई टीए नहीं लगा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। और बड़ी चीज़ भी है कि एक पेंशन का केस था वो लेके आए थे तो उसको देखते हैं हम कैसे उसको सॉल्व करना है। ऊंचा विकास को लेकर, स्टेशन का विकास को लेकर क्या कुछ? स्टेशन विकास में बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि नवगछिया का कार्य थोड़ा धीरे चल रहा है, तो कुछ समस्या हमारे ठेकेदारों की तरफ से है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्लानिंग है उसको हम लोगों ने देखा आज और ऑलरेडी हमारा काम एक नंबर पे खुदाई हो ही गई है, तो उसके हिसाब से बाकी काम कैसे होना है उसके बारे में हम लोगों ने रिव्यू भी किया और आगे मार्गदर्शन, कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत है तो मार्गदर्शन। भागलपुर में मां आनंदी संस्था ने शंखनाद के साथ सैंडिस कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल थी। हम आपको बता दें कि मां आनंदी संस्था विगत कई वर्षों से महिला उत्थान एवं अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आ रही है और सैकड़ों लोगों को स्वरोजगार, कन्या विवाह, वृक्षारोपण, पर्यावरण सुरक्षा, मेडिकल कैंप आदि कार्य कर लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रही है, जो कि समाज के लिए वरदान साबित हो रही है। उसी कड़ी में आज मां आनंदी संस्था ने स्वास्थ्य जागरूकता को कर शंखनाद के साथ स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया। सभी महिलाओं ने संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी के सानिध्य में एरोबिक कर स्वास्थ्य लाभ लिया और लोगों को जागरूक करते हुए योग, एक्सरसाइज एवं एरोबिक्स करने की लोगों से अपील की। मौके पर संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि सैकड़ों महिलाएं एरोबिक्स स्थल पर आकर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। यहां पर ताली वर्कआउट, भजन, शंख एवं घंटी ध्वनि के साथ व्यायाम कराया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि शंख और घंटी सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि उनके वैज्ञानिक महत्व भी हैं। आयुर्वेद और वैज्ञानिक की माने तो शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। शंख से मुंह के तमाम रोगों का नाश होता है, फेफड़ों को भी यह तंदुरुस्त रखता है। वहीं एरोबिक में शामिल कई महिलाओं ने एरोबिक से होने वाले लाभ को साझा करते हुए कहा कि आर्थराइटिस, गैस बनना, सरदर्द, बीपी, वजन नियंत्रण, माइग्रेन जैसी कई बीमारियों से हम लोगों को लाभ मिला है और आज हमें दवाई से मुक्ति मिल चुकी है। यहाँ आने से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है और बहुत इंजॉय के साथ हम एरोबिक करते हैं, पूरा बॉडी मेरा स्वस्थ रहता है और तन मन सब खुश रहता है सारे दोस्तों से मिलने के बाद, और लगता है कि जल्दी जाए और अब्सेंट ना करो, इसलिए मैं सारी बहनों से ये अपील करती हूँ सब लोग आप लोग रोज आवे और यहाँ एरोबिक का फायदा ले। ये सब श्रेय जो है सब प्रिया सोनी के वजह से है, थैंक यू। हम यहाँ जैसे शुरू हुआ एरोबिक तब से आते हैं
हम पहले डॉक्टर के से इलाज कराए, दवाई खाए, लेकिन धीरे धीरे सारा दवाई छोड़ दिए। अब पहले से बहुत स्वस्थ है और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, लेकिन अब चढ़ पाते हैं। दिल्ली से एम्स में अभी बस 3-4 दिन अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले से ही यहाँ सेंटिस में घूम रही हूँ और मैं मतलब अप डाउन करती हूँ। बैंगलोर में मेरे बच्चे रहते हैं तो मैं आती जाती हूँ। हाँ, मैंने करते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी 3-4 दिन आई हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं यहाँ एकदम हमेशा से इनके साथ रहूँ और करूं, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी सिखाऊं। मैं यहां 2 साल से, जब से ये संस्था शुरू हुई तब से यहां आ रही हूं। मुझे बहुत ही फायदा। मुझे जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, हाई प्रेशर, तो मैं अधिक पावर का टैबलेट खाती थी, अब नहीं के बराबर है, कभी कभी खाना पड़ता है, लेकिन अभी मेरे दर्द में भी बहुत आराम है। और वेट लॉस, मेरा वेट 82 kg था, अभी 78 kg है, तो वेट लॉस भी हुआ है। और सिर्फ शारीरिक और मानसिक ही फायदा नहीं, और यहाँ जो एनर्जी की ऊर्जा जो मिलती है हम लोगों के, खुशी का जो माहौल मिलता है हर तरह से, तो हम लोग बहुत ही खुश रहते हैं। और अगर हम प्राणायाम में नहीं भी आ पाते हैं तो यहाँ लेट लतीवर लेट हो गया, चलो कम से कम यहाँ एरोबिक्स तो कर लिया, मन को शांति मिल जाती है और बहुत तरह से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह से यहाँ हमें फायदा हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से लोगों को बहुत फायदा है। और जहाँ तक रहा अभी यहाँ पे स्वास्थ्य प्रति जागरूकता कार्यक्रम जो हमारी संस्था के द्वारा बहुत दिनों से चलाई जा रही है, इससे यहाँ से कई प्रकार के फायदे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने ऐड किया है इसमें शंखनाद और घंटी की। तो ये जो इसका जो महत्ता है ना, ये सिर्फ धार्मिक महत्ता नहीं, इसकी वैज्ञानिक महत्ता भी है, क्योंकि ये नहीं है जो सिर्फ ये पूजा के टाइम में ही शंख बजाना चाहिए, ये शंख बजाने का जो है ये हमारे इन्वायरमेंट में सकारात्मक होता है, जिससे हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आता है। और आप और हम सभी लोग जानते हैं हर कुछ का कनेक्शन, हर बीमारी का यदि कनेक्शन तो वो हमारा दिमाग है, और इसको हमने एक सेल्फिश पॉइंट रखा है। यहाँ आने के बाद बिल्कुल माइंड खाली करके बजानी होती है हम लोगों को ताली, और ताली के साथ होते हैं हमारे प्रेयर होते हैं, जो कि कभी शंकर जी के हरे कृष्णा का प्रेयर होता है। जब ये प्रेयर, जब ये ताली और जब ये शंखनाद और जब ये घंटी होती बजती है, तो हमारे पूरे सैंडिस कंपाउंड का माहौल जो है पूरी सकारात्मक हो जाती है, और इससे हम लोगों को कई प्रकार का फायदा है। जैसे कितने लोगों को नींद नहीं आती थी, बहुत लोगों को सर दर्द, ऐसा सर दर्द होता था जो हर जगह से वो मतलब जलोर जैसे आ चुके हैं, लेकिन उनकी सर दर्द नहीं खत्म होती थी, नींद की प्रॉब्लम नहीं खत्म होती थी, और यहाँ आ जा करके उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वेट रिड्यूस तो हो ही रहा है। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार जन कल्याण के लिए अनेकों कार्य करती आ रही है। इसी कड़ी में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा नौगछिया के विभिन्न चौक चौराहों पर बैठे मोचियों व ट्रैफिक पुलिस के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई। चिलचिलाते गर्मी व धूप में जितने भी सड़क किनारे फुटपाथ पर मोची अपने पेट के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और ठंडा पानी पीने के लिए वो तरसते हैं, अब उन्हें ठंडा पानी पीने को मिलेगा, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। वहीं गरीब, लाचार व असहाय लोगों के लिए जीवन जागृति सोसाइटी जन सहयोग से जल सेवा का काम कर रही है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, इसके लिए हम लोग चौक चौराहे पर वाटर कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष राकेश माही, मीडिया प्रभारी रजनीश कुमार, नौगछिया से श्रीधर कुमार व विकास सिरानिया समेत सोसाइटी के कई सदस्य मौजूद रहे। गर्मी बहुत पड़ रही है और सालों साल पड़ता है, और ऐसे में लोग गर्मी से प्यासे रह जाते हैं। आज जीवन जागृति सोसाइटी का जो मुहिम है वैसे लोगों के लिए है जो तपती धूप में एक जगह बैठना या खड़े रहना उसकी मजबूरी है। जैसे मोची समुदाय के जो लोग हैं रोड के किनारे रहते हैं और अपना काम करते हैं, उसी तरह ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस में लोग एक जगह खड़े रहना उनकी मजबूरी है, और सब्जी मार्केट में भी हम लोग ये करते हैं। तो हम लोग कूलिंग पॉट दे रहे हैं, यानी जिसमें पानी कुछ देर ठंडा रह सके, ओवर हीट नहीं हो, और इससे क्या होता है कि लोग डिहाइड्रेशन में नहीं जाते हैं, और जैसे गस्त खा जाते हैं, लू लग जाता है, या उसको किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है कम पानी पीने से, वैसे में हम लोग उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनको ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और अपना इस तरह का बर्तन नहीं खरीद पाते हैं, दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, ऐसे लोगों को सुबह से अपील है कि सभी लोग जो भी सक्षम लोग हैं वो लोगों की सेवा करें, किसी न किसी रूप में, अन्न के रूप में, जल के रूप में, कपड़े के रूप में, कुछ ना कुछ अपना अंशदान समाज के लिए भी करें। सबों से यही उम्मीद है और सबों से
अनुरोध।